सबसे पहले कॉर्नर वाले भाई बताएं, भैया आवाज़ ठीक है? स्पीकर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्पीकर से आवाज़ आ रही है? क्लियर है? कोई इशू तो नहीं जी? अच्छा, आज आवाज़ आई। चैप्टर हमारा चल रहा है 6, लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। और जैसा मैंने आपको बताया था, आज का लेक्चर हमारे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक लेक्चर है, ठीक है? इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं बार बार रिपीट करके दोहरा रहा हूँगा ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है? आपने भी उनको बार बार सुन के जहन में दोहराते रहना है और नोट भी कर लेना हो सके अगर कोई बात आपको लगे कि ठीक। वैसे तो हर जो ज़रूरी बात है वो रिटर्न फॉर्म में आपके सामने मौजूद है, अगर आप कुछ भी ना लिखें सिर्फ सुनते रहे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ कंसेप्ट जो है वो जहन में भी बैठ जाता है। इसलिए अगर आपको कोई बात लगे कि बहुत अच्छी बात है, पिक करनी चाहिए आपको, आप उसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टडी आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हमने स्टडी किया था कि चैप्टर 5 में एक्सेप्टेंस स्टेज पे ऑडिटर ने डिटरमिन करना होता है, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है एक्सेप्टेंस डिसीजन करने से पहले, जैसा क्लाइंट की इंटेग्रिटी, जैसा अपनी कॉम्पिटेंस, और जैसा क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं क्लाइंट से। और इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये रिक्वायरमेंट्स दो जगह पे लिखी गई है, एक कंपनीज एक्ट में जिसे कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा कोड ऑफ एथिक्स जिसे कहते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स। चैप्टर 6 में हम लीगल रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं और चैप्टर 7 में हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट्स में वैसे तो हमने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड का लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, आज जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली लॉ रिलेट करता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर से, यानी कौन सा ऑडिटर है जिसको ऑडिट करना चाहिए, कौन से पर्सन है जिनको ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए और इनको किन को ऑडिटर अपॉइंट नहीं होना चाहिए। लॉ याद रखें, नॉर्मली आपने अगर इससे पहले कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा, लॉ जब भी किसी पोस्ट के लिए क्राइटेरिया बताता है ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, डायरेक्टर के लिए, ऑडिटर के लिए या किसी भी और पोस्ट के लिए, तो वो क्राइटेरिया होता है टू फोल्ड। टू फोल्ड क्राइटेरिया का मतलब होता है कि लॉ दो तरह से चीज़ें बता रहा होता है, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और दूसरा डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से मुराद वो चीज़ें जो कि उस पर्सन में होना ज़रूरी है, और डिसक्वालिफिकेशन का मतलब वो चीज़ें जो कि उस पर्सन में ना होना ज़रूरी है। तो उसी तरह जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्राइटेरिया है ये भी हम दो तरह से पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या क्राइटेरिया का, कि कौन सा पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, ये क्राइटेरिया हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, दूसरा डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब है वो चीज़ें जो कि उस पर्सन में होना ज़रूरी है जो ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है, और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब है वो चीज़ें जो उसमें ना होना ज़रूरी हैं। अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की कोई एक चीज़ मिसिंग है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की सारी चीज़ें मौजूद हैं और डिसक्वालिफिकेशन की भी कोई एक चीज़ मौजूद है, फिर भी शाबाश, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है? क्वालिफिकेशन की सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, डिसक्वालिफिकेशन की सारी चीज़ें ना होना ज़रूरी हैं। कहीं केस स्टडी में आप ये ना कहें, सर देखें वो क्वालिफाइड है, सारी चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने कहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, तो क्यों नहीं आपने कहा कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा है कि अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, क्यों क्यों लिखा होगा अपॉइंटमेंट हो सकती, क्योंकि डिसक्वालिफिकेशन भी कोई ना कोई चीज़ मौजूद होगी उसमें। तो पहली चीज़ जो हमने आज के लेक्चर में अभी तक ये सीखी कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का जो क्राइटेरिया है उसमें दो चीज़ें हैं, एक क्वालिफिकेशन, एक डिसक्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब जो चीज़ें जो होना ज़रूरी हैं, और डिसक्वालिफिकेशन का मतलब वो चीज़ें जो ना होना ज़रूरी हैं। यहाँ तक क्लियर? अब स्टडी करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। कहते हैं तीन तरह की कंपनीज है, तीन तरह की, एवरी पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर मोर। इन तीन तरह की कंपनीज का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। कौन सी तीन तरह की? एवरी पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर। इन तीन तरह की कंपनीज का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चल, और जो बाकी की कंपनीज हैं उनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आईकैप के पेपर पास करता है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो आईसीएमए के पेपर पास करता है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भाई एसीसीए नहीं बोला ना, तो इसका मतलब नहीं है,
आज का लेक्चर बहुत अहम है, चलते लेक्चर में टांग नहीं उड़ानी। इसमें कोई 50-60 कंसेप्ट है जो जेहन में अभी रटा मार गया हूँ मैं। मुझे इधर उधर करेंगे ना मेरे जेहन से निकल जाएंगे, हो सकता है फिर 10-12 चीजें मैं आपको लेक्चर में ना बता सकूँ, फिर केस स्टडी में आपके सामने आ रही होंगी। ACCA बोला नहीं, वो नहीं है। अब गए MBA का बोल ना, अब उसे MBBS ऑडिट कर सकता है, ये लिखा हुआ है सर। लॉयर भी नहीं कर सकता, MBA भी नहीं कर सकता, ACCA भी नहीं कर सकता, इंजीनियर भी नहीं कर सकता, पायलट भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। वो कह रहे अगर अपना ऑडिट करवाना है तो मैं पार्ट टाइम ही बंद करता हूँ, कर दूंगा। क्राइटेरिया दो तरह का, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो होना जरूरी है, क्या चीज होना जरूरी है, कोई तीन तरह की कंपनीज हैं, एवरी पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर मोर। इन तीन तरह की कंपनीज का ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, और इनके अलावा जो कंपनीज हैं उनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी। अच्छा, इनके अलावा आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें ना तो छोटी छोटी कंपनी रह जाती है। इसके अलावा कौन सी कंपनी रह जाती है, प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल भी कम है। 30 लाख में किराने की दुकान नहीं आजकल खुलती, तो कंपनी कहाँ से होगी, अगर कोई होगी भी छोटी मोटी कंपनीज होगी। तो इसीलिए बाकी की कंपनीज के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट CMA दोनों। हाँ, इनके अलावा और कोई भी पर्सन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के हों। हाँ, एक प्रैक्टिकली आपको एक बात बता दूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी हूँ लेकिन मैं ऑडिट नहीं कर सकता। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी और पूरी करनी होती है, ICAP से सर्टिफिकेट लेना होता है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, एक समझ लीजिए प्रैक्टिस का इजाजतनामा, ठीक है, उसकी ICAP एनुअल फीस होती है, वो कोई बस एक फॉर्मेलिटी होती है। अप्लाई करें ICAP, वो हमें प्रैक्टिस की इजाज़त दे देता है कि हम ऑडिट कर सकते हैं। सिर्फ वो सर्टिफिकेट अगर हासिल करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना चाहिए, उसके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी ले लेना चाहिए ICAP से। बहरहाल, केस स्टडी में सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं आएगी, सिर्फ ये बात आएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर हो गया, अब आते हैं डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है, जी चीजें ना होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये लिस्ट लिखी भी हुई है, और हमारी कोशिश ये है कि लिस्ट में चीजें इस तरीके से लिखी जाए जिस तरीके से एग्जामिनर उसकी टेस्टिंग करता है, जिस तरतीब से टेस्टिंग करता है। यानी जो कंसेप्ट ICAP सबसे ज्यादा दफा एग्जाम में टेस्ट करता है वो सबसे पहले आए, और जो दूसरे नंबर पे टेस्ट करता है वो दूसरे नंबर पे आए। यानी जो हम लिस्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो इन ऑर्डर ऑफ टेस्टिंग बाय ICAP है। इसलिए मे भी आपको लगे कि पहली रिक्वायरमेंट में इतनी ज्यादा चीजें, ठीक है, इसका मतलब है ये आगे क्राइटेरिया, हर क्राइटेरिया बहुत मुश्किल, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया सबसे ज्यादा लेंथी होगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद तीसरे नंबर, इस तरह कहानी चलेगी। और जिन चीजों का मैं आपको बताता रहूं ध्यान रखना है, केस स्टडी में आपने उनका ध्यान रखना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं, बस ये बाकी अभी चल रही है। डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में पहले चीज शेयर होल्डिंग। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक पर्सन जो कंपनी का शेयर होल्डर है, वो चूंकि उसका ओनर है तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसे कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट ये समझ आती है, ये कंसेप्ट इतनी को बात बता रहा है कि इफ ए पर्सन होल्ड शेयर्स इन द कंपनी ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। लेकिन अब इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं। डिफरेंट वेरिएशंस क्या है, ये मैं आपके साथ ये वेरिएशन यहां शेयर करता हूं। ये भाई ब्लैक मार्कर दीजिएगा मुझे। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर मैं आपके साथ बना रहा हूं, आपने स्ट्रक्चर को नोट कर लेना, ये बुक्स वगैरह पे नहीं बना हुआ, आपको तकरीबन हर दूसरी केस स्टडी में ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा 60-70% केस स्टडीज में। ये है ऑडिटर, या ऑडिटर कह लिया वो प्रपोज्ड ऑडिटर जो पॉइंट होने जा रहा है, ये इसके सामने है कंपनी, क्लाइंट कंपनी। मैंने सिर्फ कंपनी नहीं लिखा, क्लाइंट कंपनी लिखा, इसलिए कि सम टाइम एग्जाम में कोई और कंपनी भी आ सकती है, सम टाइम एग्जाम में केस स्टडीज में कोई और कंपनी भी आ सकती है। ये है ऑडिटर, फिलहाल इसको छोड़ दें। क्या ये पर्सन इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, बेसिक, हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट,
क्वेश्चन ये है, अगर ये इस कंपनी का शेयर होल्डर है तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन लॉ ये कहता है कि भाईजान ऑडिटर जिस दिन अपॉइंट हो जाता है उसी दिन तो ऑडिट शुरू नहीं कर देता। आपको पता है अगर आइए क्या चल रहा है 2021, हाँ, अगर मुझे ये बताइए किसी कंपनी का ईयर एंड है 31st December 2021, क्या उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है कि अभी होना है? हो चुका है, हालांकि नवंबर है, हो चुका है। और उसका ऑडिटर कब अपॉइंट हुआ होगा? और एजीएम कब होगी? पिछले साल का ईयर एंड के बाद, यानी इस महीने में के अप्रैल में जिस कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 है उस कंपनी का ऑडिटर अप्रैल 2021 की किसी डेट में जो एजीएम हुई होगी उसमें अपॉइंट हो चुका है। इसका मतलब है ईयर एंड से कोई 7-8 महीने पहले ही ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, नॉर्मली वो कुछ भी नहीं करता, वो वेट करता है ईयर एंड का, ईयर एंड पे ऑडिट करता है, या अगर डेडलाइन करीब हो तो सम टाइम वो ईयर एंड से पहले भी प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, लेकिन वो भी तकरीबन समझ लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके करता है, वरना नॉर्मली शुरू के 2-3 महीने में सिर्फ एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया जाता है, उसके बाद खत्म एक्टिव। इसीलिए लॉ ने इजाजत दी है कि अगर आप किसी कंपनी, अच्छा आप गौर से सुनेगा, आपने एग्जाम में जब कभी लॉ ने किसी चीज की इजाजत दी हो ना कंडीशन के साथ, किसी चीज की इजाजत दी हो कंडीशन के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि ये काम नहीं हो सकता, हम कहेंगे ये काम हो सकता है प्रोवाइडेड ये कंडीशंस पूरी कर लें। तो लॉ ने कहा अगर कोई एक कंपनी का शेयर होल्डर है वो उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है प्रोवाइडेड वो दो काम करे, पहला काम एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे, और दूसरा विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्पोज कर दे शेयर्स को। यानी दो काम करने हैं, डिस्क्लोज डिस्पोज, डिस्क्लोज डिस्पोज। तो फिर मुझे बताइए एक पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर है, ए पर्सन होल्ड शेयर्स ऑफ ए कंपनी, क्या वो कंपनी का ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? इसका जवाब है वो हो सकता है प्रोवाइडेड डिस्क्लोज करे एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। यहां से क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं? ये इस पर भी इनके मजीद थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सम टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने जब फ्रॉड करना हो ना तो जो प्रॉपर्टी बनाते वो अपने नाम पे नहीं बनाते, ठीक है, वो अपने बीवी बच्चों के नाम पे बनाते। इसीलिए लॉ ने कहा अगर कोई पर्सन या उसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर इन ए कंपनी, यानी लीगल प्रोविजन में उन्होंने उस ऑडिटर को नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके बीवी और माइनर बच्चों को भी कवर कर लिया। अब प्रोविजन हमारी क्या हो गई, इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर इन ए कंपनी ही कैन बी अपॉइंटेड, कैन बी अपॉइंटेड प्रोवाइडेड डिस्क्लोज करे एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्पोज करे विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। देखें मुझे कोई जल्दी नहीं है, यह है एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आई क्या आपने कोई 60-70 केस स्टडीज टेस्ट की हुई है पास्ट पेपर में? एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसके एक एक लाइन में नहीं एक एक लफ्ज में केस स्टडी छुपी है, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक नहीं दो लेक्चर में कवर होना, एक नहीं दो लेक्चर में कवर, और फिर उसके बाद इसकी केस स्टडी के ऊपर भी डिस्कशन होगी। इसीलिए मुझे आपने भी जल्दी नहीं करनी, मुझे ये बताया कंसेप्ट समझ आ रहा है आपको, आगे चलते हैं। अब जब यहां पे ऑडिटर के रिलेटिव्स को कवर कर दिया तो कंपनी ने क्या कहा, मेरे रिलेटिव को भी कवर करो। हमने कहा तुम्हारे कौन से बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे कौन से रिलेटिव हैं? हाँ, उसने कहा एसोसिएटेड कंपनी, होल्डिंग एंड एसोसिएटेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में होल्डिंग सब्सिडियरी भी शामिल है, होल्डिंग सब्सिडियरी भी शामिल, ठीक है, बहरहाल चले एसोसिएटेड। अच्छा, तो इसका मतलब है अब कंप्लीट प्रवीण, अब मैं आपके सामने कंप्लीट प्रवीण रख रहा हूं, क्या इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन कंपनी और इट्स एसोसिएटेड कंपनी ही कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ विद इन 90 डेज डिस्पोज कर। शाबाश, यहां तक क्लियर हो गया, पक्की बात है। अच्छा,
एक केस स्टडी में उसने कहा, एक केस स्टडी में उसने कहा माइनर है, सॉरी स्पाउस है, नहीं पहले चाइल्ड, बड़ा मुश्किल फैसला मैं कर नहीं पा रहा, पहले उसने कहा मिस्टर ए का सन के पास शेयर्स हैं एबीसी कंपनी के, क्या मिस्टर ए की अपॉइंटमेंट हो सकती है एबीसी कंपनी के एडिटर के तौर पर? शाबाश, ये उसने क्वेश्चन में नहीं बताया था कि सन माइनर है कि मेजर, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऑडिट में बताइए, अकाउंटिंग में तो ये होता है ना, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन में नहीं दी, एक अजम्पशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों के मुताबिक नहीं करते। ऑडिट का क्या असूल है? दोनों के मुताबिक करेंगे। अब सुनिए, हमारी हेडिंग होगी पहले इफ सन इज माइनर, हम लिखेंगे मिस्टर ए कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी कंपनी प्रोवाइडेड इफ ही डिस्क्लोजेस शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजेस विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। ये क्लियर? अच्छा, और अगर सन मेजर है फिर लिखेंगे मिस्टर ए कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एबीसी कंपनी, इफ शिफ्ट की प्रोवाइडेड की कोई जरूरत नहीं, क्यों? वो माइनर, उसका मसला ही कोई नहीं, वो मेजर है उसका मसला ही कोई नहीं। माइनर होगा तो फिर कंडीशन पूरी करनी है, मेजर होगा तो फिर कंडीशन पूरी नहीं करनी, स्पाउस है तो फिर कंडीशन पूरी करनी है, ब्रदर है तो कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं, सिस्टर है तो कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं, मदर है तो कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं, फादर है तो कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गई बात? तो अब मैंने कहा, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैं कहा भाई ऑडिटर की स्पाउस के पास शेयर्स हैं, क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा दो नहीं एक कंडीशन। मैंने कहा क्या? उसने कहा कोई डिस्क्लोज, डी फॉर डिस्क्लोज, डी फॉर डिस्पोज भूल गया, कहता है नहीं डी फॉर डिवोर्स। अच्छा लीगली अगर मैं कमेंट करूं ना बात ठीक है, डिवोर्स के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, लेकिन एक और उसने डी फॉर डेथ भी कर दिया, उसने कहा सर उसको मार देगा, गोली मार दे, लीगली वो भी ठीक है भाई, डेथ हो जाएगा स्पाउस के पास डेथ, हाँ तो लेकिन याद रखिए आपने एग्जाम में ये डिवोर्स डेथ वाली बात नहीं करनी, बल्कि क्योंकि ये लीगली तो एक्सेप्टेबल है, एथिकली सोशली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं लगता, ठीक है? हाँ जी, नहीं पेपर में भी आपने नहीं करना। तो बताइए हमारे कंप्लीट प्रोविजन क्या बने, इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन कंपनी और एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर इफ डिस्क्लोज करे डिस्पोज करे। क्लियर ये? अच्छा अब मुझे बताइए क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है, जिन्होंने लॉ में पढ़ा हुआ है, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता? हाँ एक स्टूडेंट है, अब इस एक स्टूडेंट की वजह देख लें, एक ही है, कोई बात नहीं, इस एक स्टूडेंट की वजह से मैं ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? गौर से मेरे भाई, कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं? एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है, ठीक है? कंसेप्ट ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शेयर होल्डिंग में ही कहा हुआ है, हालांकि लॉ का कंसेप्ट ऑडिट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शेयर होल्डिंग में कहा है कि अगर एक कंपनी में या उसकी एसोसिएटेड कंपनी में शेयर है तो भी आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये क्लियर हो गया एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट हम ये ऑडिट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो क्राइटेरिया में है। अब सुना होता क्या, दो टर्म्स हैं होल्डिंग सब्सिडरी में और एसोसिएट, दोनों में फर्क है। होल्डिंग सब्सिडरी क्या होती है? अगर आप किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हासिल कर लें तो हम होल्डिंग है और वो कंपनी सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी क्लियर। एसोसिएटेड की डेफिनेशन में होल्डिंग सब्सिडरी भी आ जाती है, लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी के अलावा ऐसी भी कंपनीज आ जाती हैं जिनके डायरेक्टर्स कॉमन हों या शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। तो इक्वेशन याद कर लीजिए, एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू होल्डिंग सब्सिडरी प्लस कॉमन डायरेक्टर / शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20%। यानी यू कह ले, ये तो भाई ने इस तरीके से बता दिया ना, अगर हमारा मैथ अच्छा है तो हम इसी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से? के एसोसिएटेड
कंपनी इज इक्वल टू होल्डिंग सब्सिडरी प्लस कॉमन डायरेक्टर प्लस शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 20%। भाई बात समझ आई? यानी होल्डिंग सब्सिडरी भी एसोसिएटेड है और कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20% से भी कंपनी एसोसिएटेड बन जाती है। बात समझ आई? नहीं, ये बात समझ नहीं आई डायरेक्टरशिप। अच्छा आप मुझे बताएं जी, भाई कलप रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, कॉमन डायरेक्टरशिप आपने बताना है दो कंपनी एसोसिएटेड है कि नहीं। एक पर्सन एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है। एक कंपनी में 20% से उससे ज्यादा शेयर्स हैं, दूसरी कंपनी में भी 20% से ज्यादा शेयर्स हैं। दोनों कंपनी एसोसिएटेड है कि नहीं है? एक कंपनी में डायरेक्टर है वो बंदा, और वही बंदा दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर है। दोनों एसोसिएट। क्लियर हो गया? ये है इसका मतलब, कॉमन डायरेक्टरशिप या कॉमन शेयर होल्डिंग, या एक कंपनी में डायरेक्टर और वही बंदा किसी दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड, तो वो क्या हो जाएंगी? एसोसिएटेड। समझ आए? होल्डिंग सब्सिडरी भी एसोसिएटेड होती है और प्लस कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20% से भी एसोसिएटेड बन जाती है। क्लियर? लेकिन लॉ एक, आप उधर टर्म बोलते होंगे नॉमिनी डायरेक्टर, जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। हाँ डायरेक्टर, लेकिन हम गवर्नमेंट की बात करेंगे। नॉमिनी डायरेक्टर आपको याद है वो एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन होते थे, एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन होते थे। तो याद रखे, अगर एक बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर है दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है तो दोनों कंपनी एसोसिएटेड हो गई। लेकिन अगर एक कंपनी में डायरेक्टर है दूसरी में नॉमिनी डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है, ये लिख लें, नॉमिनी डायरेक्टर एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। जो गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दे, नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? जो गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दे, गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दे, ठीक है। पीआईए गवर्नमेंट और अगर कंपनी है, पीआईए में डायरेक्टर गवर्नमेंट फैसला करेगी, गवर्नमेंट ने जिसको कह दिया तुम डायरेक्टर लग जाओ, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। क्लियर होगी ये बात? फिर कहानी, बात थोड़ी लंबी होगी इसलिए शुरू से करते हैं स्टार्ट। डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, पहली 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 क्या बात है? शेयर होल्डिंग। इसमें क्या कह रहा है? अगर कोई पर्सन और स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी और इट्स एसोसिएटेड कंपनी, इट कैन बी बाइंडेड प्रोवाइडेड डिस्क्लोज करे, डिस्पोज करे। क्लियर? और एसोसिएटेड कंपनी क्या है? लॉ का कंसेप्ट था, हमने रिफ्रेश कर लिया। एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू होल्डिंग सब्सिडरी प्लस कॉमन डायरेक्टर शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। और नॉमिनी डायरेक्टर एक्सेप्शन है, यानी अगर नॉमिनी डायरेक्टर हुआ ना फिर एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनेगी। नॉमिनी डायरेक्टर हुआ एसोसिएटेड कंपनी, नॉमिनी डायरेक्टर हुआ एसोसिएटेड कंपनी, नॉमिनी डायरेक्टर हुआ एसोसिएटेड कंपनी, नॉमिनी डायरेक्टर हुआ एसोसिएटेड कंपनी। पक्की बात है? आगे चलते हैं भाई, यहां तक क्लियर? ये हमारी सबसे बड़ी प्रोविजन थी। चाइल्ड जी, ये जो पॉइंट लिखे हैं ना, ये मैंने अपने लिए लिखे हुए हैं कि इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि इसमें प्रवीण में माइनर और मेजर दोनों कवर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको माइनर की बात बतानी है तो कहीं मेजर की भूल ना जाऊं, मेजर वाली भी बतानी है, वरना तो ये डिवोर्स भी लिख, तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं आपको ये बताऊं कि ये कर सकते हैं? इसके लिखने का मतलब ये था कि आपको ये बताना है कि ये नहीं कर, ये मैंने अपनी याद आनी, ये रेड रेड में जो लिखा हुआ ना ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए। आप भी अगर लिख रहे ना, ये सारे पॉइंट केस स्टडी में टेस्ट किए हैं तो काम के हैं, काम के हैं। लेकिन लीगल प्रोविजन वही है जो मैं आपको बता रहा हूं या जो नोट्स में लिखी हुई है। ये जो टिप्स है ना, मैंने इस, क्योंकि इतनी चीजें ना फिलहाल मेरी इतनी शार्प मेमोरी नहीं है कि मैं सारी चीजें याद कर लूं, मैं भूल जाता हूं, तो मैं टिक लगाता रहता हूं, ये बात बता ली, ये बता ली, ये अभी नहीं बताई, इसका भी टाइम आएगा, ठीक है। हाँ, माइनर चाइल्ड मेजर चाइल्ड के पास शेयर है तो कोई मसला नहीं है,
हाँ क्वेश्चन सुने लॉ ने, अच्छा लॉ की एक बात है, ये मैं बता दूं, जो प्रोविजन जहां पे है उधर ही फिट करनी होती है, अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी होती। जैसे लॉ ने कहा कि ऑडिटर और स्पाउस, हालांकि सिस्टर या ब्रदर या फादर या मदर के पास भी शेयर्स हो तो ऑडिटर किसी हद तक इंडिपेंडेंट नहीं रहता, कॉमन सेंस कहती है वो भी आना चाहिए, लेकिन लॉ ने नहीं कहा। किसकी माने? जो प्रोविजन जहां है वही फिट करनी है। मेजर चाइल्ड भी तो हो सकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन नहीं वो रीजन कुछ भी समझ लें, डायरेक्टली कंट्रोल में है या नहीं है, वो रीजन कुछ भी है। अगर वो सीए कर रहा है तो 40 साल तक कंट्रोल में ही है पेरेंट्स के, रीजन की तरफ नहीं जाना। हमने देख लॉ ने माइनर कहा तो हमने भी माइनर। अच्छा आप मुझे बताइए, एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अपॉइंटमेंट होने के बाद उसने शेयर्स खरीदे और 5 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज कर दिए, बताइए वो अभी भी ऑडिटर है कि नहीं? अब ऑडिटर नहीं है, इसलिए कि लॉ ये कहता है हमने जो शेयर होल्डिंग की रिलैक्सेशन दी है ना, वो सिर्फ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है। अपॉइंटमेंट के बाद आपने 1 सेकंड के लिए भी शेयर्स अगर लिए ना, उसी सेकंड में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जो प्रोविजन जहां पे है वहीं पे फिट करनी है, अपनी कॉमन सेंस लॉ में, कोड ऑफ एथिक्स में कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ये आपको एक बड़ा फर्क बताता हूं, लॉ में कॉमन सेंस नहीं लगानी हमने, कोड ऑफ एथिक्स में लगा सकते हैं। लॉ जहां जहां लूज लूप होल छोड़ देता है ना, वो कोड ऑफ एथिक्स पूरा कर देता है। क्लियर? अच्छा चलिए आगे से, तो ये ज़हन में रखिएगा, ये 90 डेज की रिलैक्सेशन किस वक्त के लिए है? एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। ये बात समझ आ गई? और इसमें एसोसिएटेड कंपनी भी कवर हो जाती है। आगे चलते हैं, इंडेटेड। इंडेटेड का मतलब क्या है? मकरूज, मकरूज। अगर कोई पर्सन इंडेटेड है, अगर कोई पर्सन कंपनी का, तो मकरूज है ना, उसका ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? अगर फर्ज किया क्वालिफाइड रिपोर्ट देने लगे, कंपनी कहेगी मेरा लोन निकालो, वो कहेगा लोन मेरे पास आया ही नहीं, कहेगा नहीं मैं तुम्हारा केस कर दूंगा, डिफॉल्टर करार दिलवा दूंगा तुम्हें, अनमोडिफाइड। इसीलिए ला ने कहा पर्सन को इंडेटेड नहीं होना चाहिए। ये बेसिक प्रोविजन है, ये समझ आए कि जो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है कंपनी का मकरूज नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे ये क्लियर? अच्छा, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कुछ कुछ का तो मकसद ही होता है ना, जैसे बैंक्स वगैरह, उनका मकसद ही होगा, उस सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, उस सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा अगर आप इंडेटेड हो जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। इफ पर्सन इज इंडेटेड, अच्छा मुझे ये बताइए इसमें क्या कह रहा है? ऑडिटर मकरूज होगा तो ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता कि कंपनी मकरूज होगी, इसका मतलब अगर कंपनी ने ऑडिटर को लोन दिया है तो ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, अगर ऑडिटर ने कंपनी को लोन दिया है, ऑडिटर ने कंपनी को लोन दिया है फिर अपॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस सूरत में इंडेटेड ऑडिटर नहीं है। अच्छा आप सुनिए, आपने लॉ में पढ़ा सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में शेयर्स भी होते हैं डिबेंचर्स भी, लेकिन शेयर और डिबेंचर में फर्क होता है। अगर ऑडिटर के पास कंपनी के शेयर्स हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, शाबाश। शेयर होल्डिंग के ऊपर उन्होंने कंडीशन लगाई है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है कंडीशन, अगर ऑडिटर कंपनी के शेयर्स नहीं डिबेंचर खरीद रहे। पहली चीज मुझे यह बताइए कि अगर ऑडिटर अच्छा डिबेंचर की अगर आपने वो डेफिनेशन पढ़ी हो ना, तो उसमें बताता है उसमें क्या होता है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। डिबेंचर की डेफिनेशन में टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, अगर ऑडिटर ने क्लाइंट के टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट डिबेंचर्स खरीदे हैं, इंडेटेड कौन है? कंपनी। फिर ऑडिटर पॉइंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है? फिर कोई प्रॉब्लम, ये ज़हन में रखिए, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडेटेड ऑडिटर नहीं है, कंपनी है। क्लियर? अच्छा फिर इसके बाद वो एक्सेप्शंस देता है दो, और ये बड़ी अजीब सी एक्सेप्शंस है। कहता है इन दो केसेस में ऑडिटर इंडेटेड नहीं है, ठीक है, वो नोट्स आपके पास होंगे, मैं चाह रहा हूँ एक दफा आप रीडिंग कर लें।
इन फॉलोइंग केसेस ऑडिटर विल नॉट बी कंसीडर इंडेटेड, यानी इन केसेस में ऑडिटर इंडेटेड ऑडिट कर सकता है। कौन से केसेस? सम पेएबल टू ए क्रेडिट कार्ड इश्यूअर डज नॉट एक्सीड रुपीज 1,000,000। क्रेडिट कार्ड कौन इशू करता है? बैंक इशू करते हैं ना। क्रेडिट कार्ड लिया, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 5,00,000, इंडेबटेडनेस है? नहीं है, ऑडिटर पॉइंट हो सकता है। दूसरा केस, सम पेबल टू यूटिलिटी कंपनी रिमेन अनपेड अप टू 90 डेज। यूटिलिटी कंपनीज कौन सी होती हैं? पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट, ये यूटिलिटी कंपनी है। यूटिलिटी कंपनी का बिल अगर पे ना करें हम, तो यूटिलिटी कंपनी की बैलेंस शीट में हम रिसीवेबल आ रहे होते हैं, और हमारी अगर कभी बैलेंस शीट बने तो हम अक्रूड लाइबिलिटी आ रही होगी। तो लीगली देखें ना, हम इंडेटेड है यूटिलिटी कंपनी के, अगर बिल पे नहीं करते। अगर बिल नहीं करते कितने दिन तक? मेरे घर लेस्को ने बिल भेजा, मैंने 2 महीने हो गए पे नहीं किया, क्या मैं लेस्को का ऑडिटर पॉइंट हो सकता हूँ? लेकिन अगर 4 महीने हो जाए फिर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अगर कहा है ना कि 90 डेज तक इंडेटेड कंसीडर नहीं होगा, इसका दूसरा मतलब उसने कहा नहीं, लेकिन यही निकलता है कि 90 डेज से ज्यादा हो गए तो इंडेटेड होगा। उसने कहा है ना कि क्रेडिट कार्ड की अमाउंट 1,000,000 तक होगी तो इंडेटेड नहीं होगा, इसका दूसरा मतलब यही निकलता है कि 1,000,000 से ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? ये है प्रोविजन। तो हमारी कंप्लीट प्रोविजन अब क्या बनी, अगर कोई एक पर्सन इंडेटेड है किसी कंपनी का तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, अगर इंडेटेड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है कोई इशू नहीं, अगर क्रेडिट कार्ड है 1,000,000 तक कोई इशू नहीं, अगर यूटिलिटी बिल 90 डेज तक कोई इशू नहीं। भाई ये बात समझ आई? एक स्टूडेंट कहने लगा, सर क्रेडिट कार्ड भी तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, क्रेडिट कार्ड भी तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, तो उसमें क्यों? क्रेडिट कार्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है लेकिन 1,000,000 तक से ज्यादा नहीं। फिर स्टूडेंट कहने लगा, सर यूटिलिटी बिल को बिल, ये भी तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है यूटिलिटी का, 90 दिन तक ऑर्डिनरी कोर्स है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने खुद डिसीजन करना है इसमें ऑडिटर इंडेटेड है कि नहीं। मैं बैंक के पास गया, उससे लोन लिया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है अगर क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है लोन लिया, बैंक ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, ली मेरे से, नॉर्मली बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है 10%, मेरे से किया 2%, और नॉर्मली कहता है कि आपने हर 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी है, मुझे कहा साल बाद कर दीजिएगा, है लोन ही, बताइए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? तो याद रखें, जो लफ्ज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, इससे मुराद सिर्फ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, इससे मुराद टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन भी है। टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वही होती है रूटीन वाली, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मल नहीं होती, फिर लॉ उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं लेता। इसीलिए क्रेडिट कार्ड 1,000,000 तक, उन्हें कहा ठीक है सबको होता है, ऑर्डर भी ले ले, लेकिन 1,000,000 से ऊपर अगर दिया गया तो समझा जाएगा फेवर दी जा रही है। यूटिलिटी बिल 90 डेज तक ठीक है, लेकिन 90 डेज से ऊपर हो जाए तो कनेक्शन काटना चाहिए, अगर कनेक्शन नहीं काटे तो फेवर दी जा रही है, फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं रहेगा। भाई बात समझ आई? तो मैंने आपको अभी तक 2 क्राइटेरिया बताए डिस्क्वालिफिकेशन के, एक शेयर होल्डिंग का, इंडेटेड का। अब इंडेटेड के भी कुछ केस स्टडीज है, उनको सामने रख के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऑडिटर ने कंपनी के जिसके लिए प्रपोजल जा रहा है ऑडिटर बनने का, शेयर खरीदे, तो कौन सी प्रोविजन अप्लाई होगी? ऊपर वाली, डिबेंचर या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदे तो वो इंडेटेड नहीं है, ऑडिटर पॉइंट हो सकता है। क्लियर? अच्छा, ऑडिटर के पास क्रेडिट, बल्कि एक और बात सुना, पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस 3 तरह से, बल्कि पूरी दुनिया में 3 टाइप्स का होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। पाकिस्तान में अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तीनों में से कोई भी फॉर्म के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं ना, या तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे कर सकते हैं
या आप पार्टनरशिप के तौर पे कर सकते हैं, कंपनी के तौर पे नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ कहता है ऑडिटर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, ऑडिटर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप पे कर सकते हैं, पार्टनरशिप के कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट भी इसको कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे हम ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने आपको लॉ का और एथिक्स का एक फर्क बताया। लॉ की प्रोविजन जो जहां है वैसे अप्लाई करनी होती है, एथिक्स कॉमन सेंस लॉ में नहीं अप्लाई करनी, एथिक्स में हम कॉमन सेंस भी अप्लाई करते हैं। दूसरा फर्क, लीगल रिक्वायरमेंट्स सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होते हैं, बाकी की टीम पे अप्लाई सीनियर मैनेजर, मैनेजर, ट्रेनी स्टूडेंट्स, इनके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं हो। सोल प्रोप्राइटर है तो वो जो मालिक है सोल प्रोप्राइटर उसके ऊपर अप्लाई होंगी, बाकी का जो स्टाफ है उसके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई। पार्टनरशिप फर्म है उसके 10 पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स पे अप्लाई होगी, नीचे वाले स्टाफ पे अप्लाई। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स पार्टनर्स पे भी अप्लाई होती हैं, नीचे वाले स्टाफ पे भी अप्लाई होती है। ये फर्क ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और लीगल रिक्वायरमेंट्स याद रखें सारे पार्टनर्स पे अप्लाई होते हैं। हम एक रूल एस्टेब्लिश किया हुआ है हमने कि एक डिसक्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिसक्वालिफाई कर देता है। इसको तो लिख ले, इसको तो जरूर लिखे, चाहे लिखा भी हो, नहीं लिखा भी हो फिर भी लिखे, एक डिसक्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिसक्वालिफाइड कर देता है, एक डिसक्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिसक्वालिफाई कर देता है, एक डिसक्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिसक्वालिफाइड कर देता है, एक डिसक्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिसक्वालिफाई कर देता है, एक डिसक्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिसक्वालिफाइड कर देता है। अब मुझे बताइए, एक कंपनी के 20 पार्टनर्स हैं, ऑडिट पार्टनर ए ने करना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड लिया पार्टनर बी ने, क्रेडिट कार्ड लिया पार्टनर बी ने और उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 12 लाख है, फर्म ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है? क्यों, ऑडिट करेगा तो कोई और, फर्म तो वही है। एक डिसक्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिसक्वालिफाइड कर देता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मुझे बताइए, एक पार्टनर है, एक फर्म के 20 पार्टनर, हर पार्टनर के पास क्रेडिट कार्ड है, हर पार्टनर के क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 9,99,999 रुपए है। इंडिविजुअली देखें तो कोई भी पार्टनर डिसक्वालिफाइड नहीं है, एग्रीगेट क्योंकि 1 मिलियन से कम है, एग्रीगेट देखें तो अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा है, ऑडिटर पॉइंट हो सकती है फर्म के? नहीं हो सकती है। याद रखें हमने हर एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर अमाउंट देखना है, ठीक है, इंडिविजुअली देख, इंडिविजुअली हर पार्टनर क्वालिफाइड तो इसका मतलब एग्रीगेट फर्म भी क्वालिफाइड। ये बात भी समझ आ गई? आगे चलते हैं। एक पार्टनर, अच्छा इसमें देखें जरा, उसने इंडेटेड कहा है, क्या स्पाउस का वर्ड यूज किया साथ? स्पाउस का एक धाप पढ़ लें, प्रोविजन पढ़ लें, स्पाउस का वर्ड, पार्टनर के स्पाउस के पास क्रेडिट कार्ड है फैसल बैंक का, फैसल बैंक फर्म को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहता है, लेकिन स्पाउस के पास जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 25 लाख, कर सकता है? भैया अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा है, स्पाउस के पास है, पार्टनर के पास तो नहीं है, तो इंडेटेड के लिए रिलेटिव्स को कंसीडर नहीं करना, शेयर होल्डिंग में तो किया था, इंडेटेड में क्यों नहीं कर रहे? लॉ ने नहीं कहा, शाबाश, लॉ ने जो रिलेशनशिप जहां फिट किया है हमने उसी जगह वही रिलेशनशिप फिट करना है, अपनी साइंस नहीं लगानी, लॉ ने जो रिलेशनशिप जहां फिट किया है हमने भी उधर ही फिट करना है, अपनी साइंस नहीं लगानी। इसका मतलब है हमें लीगल प्रोविजन पढ़ते हुए जहां जहां रिलेशनशिप है और जो जो है उसका ध्यान रखना है। शेयर होल्डिंग में है हम भी कवर करेंगे, इंडेटेड में नहीं है हम नहीं कवर करेंगे, एग्जाम में वो इसी चीज में घुमाएगा, उसको पता है आपने प्रोविजन याद की हुई है, पर बेसिक पॉइंट जितने भी है 9-10 ये सारे स्टूडेंट याद कर जाते हैं, घूमते कहां पे हैं, डेज कंफ्यूज कर देते हैं, रिलेशनशिप कंफ्यूज कर देते हैं, कंपनीज एसोसिएटेड हैं कि नहीं ये नहीं डिसाइड कर पाते। यानी ऊपर ऊपर से तैयारी कर लेंगे मेन हेडिंग की और आई के आप मजा ऊपर ऊपर से कंसर्ट पूछ ले, इतना तो आपको तजर्बा हो ही गया होगा, वो अंदर घुस के जो एक्सेप्शन होती है ना उससे क्वेश्चन बनाता है,
तो हमने भी याद रखें इसकी सारी डिटेल को एज इट इज। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें मैं जल्दी नहीं मचा रहा, तसल्ली के साथ दो लेक्चर में कवर करना है आने, लेकिन ये तसल्ली कर दिया मैंने आपको एक एक चीज। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी कवर कर लिया। अब आगे तीसरे पे चलने से पहले मैं क्विक रिवीजन करना चाहता हूँ, कर लूँ क्विक रिवीजन। क्राइटेरिया दो तरह से है, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन तीन तरह की कंपनीज का ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडियरी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 3 मिलियन आर मोर। और बाकी की कंपनीज का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, सीएमए भी, इनके अलावा और कोई बंदा नहीं कर सकता। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया साइड पे, डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इसमें 10 पॉइंट है तकरीबन, एक एक पॉइंट को पकड़ के हमने डिटेल में डिस्कस करना। सबसे पहला पॉइंट शेयर होल्डर। अब मैं कंप्लीट वर्जन बता रहा हूँ। इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर इन कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी कैन बी बाइंडेड प्रोवाइडेड दी डिस्क्लोज डिस्पोज विद इन 90 डेज। और ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए रिलैक्सेशन 90 डेज की, अपॉइंटमेंट के बाद के लिए नहीं है। अपॉइंटमेंट के बाद एक दिन की भी रिलैक्सेशन नहीं। फिर दूसरा, इंडेटेड। इफ ए पर्सन इज इंडेटेड, कंपनी नहीं, इफ ए पर्सन इज इंडेटेड वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। हाँ, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा उसे इंडेटेड नहीं समझा जाएगा। यूटिलिटी बिल 90 दिन तक है उसे इंडेटेड नहीं समझा जाएगा। क्रेडिट कार्ड 1 मिलियन तक है उसे इंडेटेड नहीं समझा जाएगा। क्लियर? और यहां पे कोई रिलेशनशिप कवर नहीं किया उसने। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपने कहा जी 20 पार्टनर है, हर एक के पास 9,99,999 क्रेडिट कार्ड, कोई इशू नहीं। आपने कहा स्पाउस के पास क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर 25 लाख की अमाउंट आउटस्टैंडिंग, कोई इशू नहीं। आगे चलें, बैंक से, फैसल बैंक से मैंने लोन लिया 2 लाख का, 2 लाख आर्डर पॉइंट हो सकता हूं। हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, कोई इशू नहीं, हो सकता हूँ, प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन भी नॉर्मल है। टर्म्स और क्वेश्चन में अगर उसने नहीं मेंशन किया तो उसका मतलब ये अज्यूम नॉर्मल होगी। क्लियर? फैसल बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया पार्टनर ने, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गई 11 लाख की, फैसल बैंक ऑडिट कर सकता है? बैंक ऑफ पंजाब ऑडिट कर सकता है? याद रखें, बिल्कुल कर सकता है। फैसल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब एसोसिएटेड नहीं है, नहीं है। और मैंने एसोसिएटेड आपको सिर्फ शेयर होल्डिंग में, शाबाश, शेयर होल्डिंग में बताया, बाकी में तो एसोसिएटेड बताया ही नहीं, बाकी में तो एसोसिएटेड नहीं बताया। बस आए तो याद रखिए, अगर आप एक कंपनी के लिए डिसक्वालीफाइड है ना, इसका यह मतलब नहीं सारी कंपनीज के लिए डिसक्वालीफाइड, ये हर कंपनी के लिए अलग-अलग डिसाइड होता है। ठीक है, हाँ, कुछ जगहों पे लॉ कहता है कि एसोसिएटेड कंपनी को भी देखो, होल्डिंग सब्सिडियरी को भी देखो, लेकिन नॉर्मली हम जो क्राइटेरिया होता है डिसक्वालिफिकेशन का, हर कंपनी का अलग, एक कंपनी के लिए डिसक्वालीफाइड का यह मतलब नहीं सारी दुनिया के लिए डिसक्वालीफाइड हो गए, मे भी हम दूसरी के लिए क्वालिफाइड हो। आखिरी चीज, बिल आया 10 लाख का, बिजली का बिल। मैंने लेस्को वालों से, मैंने वापडा वालों से जाके इसकी इंस्टॉलमेंट्स करवा ली। उन्होंने कहा हर महीने 1-1 लाख रुपया पे करते जाए, 10 इंस्टॉलमेंट्स की। इंस्टॉलमेंट करके मैं घर आया और मुझे उसी कंपनी ने कहा कि हम आपको स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या मैं हो सकता हूँ? क्या मैं ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूँ? इसका जवाब है यस, अपॉइंट हो सकता हूँ। क्या एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बिल 90 डेज से ओवरड्यू है? नहीं है, नहीं है। याद रखे, हमने एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखना है 90 डेज पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर 2 महीने हुए हैं, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 60 डेज से ओवर ड्यू है, क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? यस yes, हो सकती है। लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद मैंने ध्यान रखना है 90 दिन से पहले पहले बिल पे कर दूं, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए भी है और ये ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट के लिए भी है। अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 60 डेज हुए हैं, अपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन बाद में 90 डेज पूरे होने से पहले पहले बिल मैंने सारे का सारा रीपे करना है, सारे का सारा। अगर 90 डेज गुजर गए अपॉइंटमेंट के बाद और बिल या उसकी कोई पार्शियल अमाउंट भी आउटस्टैंडिंग हुई, डिसक्वालीफाइड हूं, डिसक्वालीफाइड, ऑडिट चल रहा हो तो खत्म, आप ऑडिटर नहीं।
ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट वाला केस समझ आ गया, यानी बिल की चाहे पूरी, इंस्टॉलमेंट का मतलब है पार्शल अमाउंट, बिल की चाहे पूरी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है चाहे पार्शल, जितनी भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और 90 दिन पूरे हो गए, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? जब 90 दिन पूरे होंगे। एक क्वेश्चन में उसने कहा 60 दिन हुए हैं और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है, बाकी का बिल उसने 4 महीने बाद पे करना है। स्टूडेंट ने कहा सर नहीं हो सकती अपॉइंटमेंट। इसका असल जवाब था अपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद 4 नहीं, 4 बल्कि 90 दिन पूरे होने से यानी तकरीबन 30 दिन बाकी रह जाएंगे, पहले पहले पे कर दो। अपॉइंटमेंट तो हो सकती है ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट के दिन तो 90 दिन पूरे नहीं हुए। सुवर्ण ने जो टाइम अभी गुजरा भी नहीं था उसको भी ऐड करके कहा ये डिस्क्वालीफाइड है। उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं। भैया क्लियर होगी बात? चलिए अच्छा, अब यहां पे लगा लेते हैं हम अपना फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। लोन वाली एग्जांपल, लोन नहीं नहीं, अगर बैंक से लोन लिया है ना तो वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। टेक्सटाइल कंपनी से लोन लिया है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। ये 2 लाख की मैंने एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन तो कोई भी नहीं है। वो जो अमाउंट है ना वो क्रेडिट कार्ड पे है। ये 2 लाख मैंने अपने लिए, कोई ना कोई मैंने तो आपको मिसाल देनी थी कि इतनी इतने का लोन लिया है, तो मैंने कहा 2 लाख, 2 लाख नहीं 4 लाख कर लें, 5 लाख कर लें, कोई भी अमाउंट कर लें, ठीक है। बताना जी नहीं नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स आपने सिर्फ ये देखना बैंक से लोन लिया कि किसी और से, किसी और से लोन लिया है तो 50,000 का भी लोन हुआ डिस्क्वालीफाइड, और अगर बैंक से लोन लिया है तो वो 50 लाख का भी लोन ले क्वालिफाइड, प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन भी ठीक और वो क्रेडिट कार्ड ना हो। शाबाश, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में उन्होंने 1 मिलियन की अमाउंट। नहीं बताना ये चाह रहा हूं, अगर आप बिल की इंस्टॉलमेंट भी करवा लेते हैं ना तो लीगली वो फिर भी आउटस्टैंडिंग हो जाता है जी, वो पॉइंट 90 दिन अगर नहीं गुजरे अभी तो पॉइंट हो जाएगा, अगर 90 दिन गुजर गए तो वो डिस्क्वालीफाइड, हाँ वो मिड टर्म डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी जी। मेजर चाइल्ड को क्यों एक्सक्लूड किया अल्लाह जाने, कसम से मुझे नहीं पता। नहीं नहीं सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, मुझे बाकी नहीं पता। लॉ में हमने अपनी कॉमन सेंस, जो प्रोविजन जहां पे है, स्टूडेंट नॉर्मली पूछते हैं सर इतने दिन क्यों गए, इतने क्यों ना कर दिए, इतने अमाउंट क्यों की, इतने क्यों ना कर दी, ये वाला रिलेशनशिप क्यों कवर किया, ये क्यों नहीं किया, अल्लाह जाने। हमने लॉ ने जो कह दिया, मैं कई दफा पूछ के थक गया, टैक्स क्यों काटते हो, टैक्स क्यों नहीं, जवाब मिलता लेकिन टैक्स कटता रहता है ऐसे कर, कोई लॉजिक भाई टैक्स डिडक्ट करने की कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं, नहीं होना चाहिए ना, लेकिन काटते। लॉ ने जो कह दिया हमें समझ आए ना आए, उसकी लॉजिक समझ, हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं क्यों क्या करना है, ये जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लिस्ट को कंक्लूड करेंगे। अच्छा मैंने कोशिश की है कि बजाय ये आपको आधे घंटे में सारी प्रोविजन पढ़ा दूं और फिर केसेस की तरफ लेके जाऊं, कोशिश की है केस स्टडी की जो ऊंच नीच है ना वो इधर ही एडजस्ट कर दूं, लेकिन स्टिल इसके बावजूद केस स्टडी में ऐसे कंसेप्ट आएंगे जिनमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पॉइंट मैंने जानबूझ के भी छोड़ दिया ताकि ये ना आपके इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, आप हाँ आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हो। अच्छा ये होम सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, होम सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, इसमें नोट कर ले, केस स्टडी वन का ए बी, केस स्टडी वन का ए बी, एक मिनट ठहरे, केस स्टडी वन का पार्ट ए, पार्ट ए पार्ट सी, नहीं नहीं पार्ट ए पार्ट सी और पार्ट डी, ए सी डी, केस स्टडी वन का और केस स्टडी टू का, केस स्टडी टू का 4, बस 4, केस स्टडी 2 का 4, ये असाइनमेंट आपकी, ये आपने करने हैं। अच्छा करने से पहले ना ये अपेंडिक्स 1 में कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ दीजिएगा, असाइनमेंट नोट कर ली ना आपने, हाँ
भाई असाइनमेंट नोट कर लेना आप भी, मुझे ऑनलाइन वालों को भी बतानी है। केस स्टडी वन का पार्ट क्या क्या बताया? ए सी डी। और टू का? फोर। ए सी डी फोर। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।